हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो देखिए, आज मैं जा रही हूँ बनाने चिली पटाटो। तो उसके लिए मैंने ले लिया 1 किलो आलू। उसको अच्छी तरह से हमने छील लिया, छील के अच्छी तरह से धो लिए। अब धो के हम इसको पतला पतला इसको काट लेंगे, सबको एक जैसा, एक साइज का। देखिए ऐसे ही, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, एक साइज का सारे कटिंग कर लेंगे। एक साइज का सब एक जैसा लगना चाहिए देखने में। तो देखिए, हम सब आलू को काट लिए एक साइज का। अब इसको फिर से पानी में धो देंगे, नहीं तो ये काला हो जाएगा। तो धो लिए इसको आलू को अच्छे से। अब इसमें हमने डाल दिया इसमें कलर, थोड़ा सा मिठाई वाला कलर डाल दिए, और कलर डाल के इसको मिला रही हूँ। देखिए, मिला दिया इसको कलर को। अब हम इसमें डालें कॉर्नफ्लावर। तो हमने 2-3 चम्मच डाल दिए कॉर्नफ्लावर। पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए आलू में, नहीं तो ये एकदम गीला हो जाएगा, सूखा रहेगा। तभी हम कॉर्नफ्लावर डाल के और सूखा कर लेंगे इसको अच्छी तरह से मिला मिला कर। तो देखिए, कॉर्नफ्लावर डालें। अगर आपके पास मैदा है तो मैदा भी डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो हम सिर्फ कॉर्नफ्लावर ही डाल रहे हैं। कॉर्नफ्लावर डालने से एकदम क्रंची हो जाते हैं फ्राई करने के बाद। तो देखिए, थोड़ा और डाल देते हैं, कम पड़ गया। थोड़ा और डाल दिए कॉर्नफ्लावर, और डाल के थोड़ा और मिला लेते हैं अच्छी तरह से। बहुत अच्छा लगता है, आप बना के देखिए घर में। घर में बनाएंगे तो आप बाज़ार का खाना भूल जाएंगे, इतना अच्छा बन जाता है और इतना हेल्दी। बाज़ार में तो पता नहीं कैसे कैसे बना के देते हैं, घर में आप अच्छे से बनाइए। तो देखिए, इधर मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई गर्म हो रहा है। गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें डाल देंगे रिफाइंड फ्राई करने के लिए। आप चाहे तो सरसों तेल में भी तल सकते हैं, तो मैंने तो रिफाइंड डाला हुआ है। अब रिफाइंड मेरा हो रहा है गरम, गरम हो गया। अब देखिए, हम इसको थोड़ा थोड़ा डाल के इसको फ्राई करेंगे। बिल्कुल एकदम ऐसा करेंगे, क्रंची हो जाना चाहिए। तो तेज आंच में करेंगे फ्राई, क्योंकि आलू को सीझना भी है इसी में। ये आलू का साइज मेरा मीडियम है, आप चाहे तो और बड़े बड़े आलू का भी बना सकते हैं। जितना बड़ा आलू रहेगा उतना अच्छा, लंबा लंबा फिंगर जैसा होगा, अच्छा लगेगा देखने में। तो देखिए, इसको हम उलट पलट के फ्राई कर रहे हैं। सारे ऊपर आ गया, हल्का हो गया फ्राई होके, कलर भी चेंज हो गया सबका। तो देखिए, अब हम निकाल लेते हैं इसको। इतना ही करना फ्राई, ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो फिर वो ज़्यादा और काला पड़ जाएगा। इतना ही ठीक है, आलू गल गया मेरा फ्राई करते हुए। तो देखिए, हम इसी प्रकार फिर से दोबारा डाल देंगे, और क्योंकि एक बार में तो फ्राई होगा नहीं। आलू मेरा है 1 किलो है लगभग, 2-3 बार तलना पड़ेगा। तो देखिए, हम दोबारा भी डाल दिए इसी प्रकार से। फिर उसी तरह उलट पलट के हम इसको क्रंची होने तक फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड, थोड़ा बहुत शोर हो रहा है, गाड़ी का आवाज़ आ रहा है। इधर देखिए, हमने शिमला मिर्च काट लिए मोटे मोटे, प्याज ले लिए और लहसुन ले लिए और हरी मिर्च। फिर से कढ़ाई में तेल डाल दिए, तेल गरम हो गया, उसमें हम डाल देते हैं प्याज।
तो देखिए प्याज इतना ही मोटा रखना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है, मोटा मोटा ही प्याज काट के डाल दिए हैं। इसको हम धीरे धीरे चला रहे हैं, भून रहे प्याज को। तो फ्रेंड जरूर कमेंट में बताइएगा मेरा बनाने का तरीका कैसा लगा, और आप लोग कौन कौन बनाते हैं घर में। तो देखिए उधर मैंने शिमला मिर्च भी डाल दिया, लहसुन और हरी मिर्च प्याज में सब डाल के अब इसको भी भूनेंगे साथ में। एक दो मिनट तक भून लेते हैं इसको, थोड़ा कलर चेंज हो जाए प्याज का, हल्का गोल्डन। तो हम ऐसे भूनते रहेंगे चला चला के। बहुत जल्दी बन जाता है फ्रेंड घर में, आप एक बार ज़रूर कोशिश करके देखिएगा, बनाइएगा ज़रूर, और फिर बताइएगा कमेंट में कैसा बना है। तो देखिए हमको इसको चलाते हुए 2-3 मिनट हो गया है, और इसका देखिए कलर हल्का चेंज हो गया। हम आंच को धीमी कर लिए और धीरे धीरे इसको चला रहे हैं, जितना इसको भून लेंगे उतना अच्छा लगेगा। तो देखिए हम इसको चलाते हुए मेरे को 4-5 मिनट हो गया, और अब इसमें हम डाल देते थोड़ा सा ये काला वाला सोया सॉस। इससे कलर चेंज हो जाएगा आलू का जो हम रखे हैं फ्राई करके। सोया सॉस डाल दिए, कम से कम 2 चम्मच होगा, हमने तो ऐसी बोतल से डाल दिया, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा जितना जितना काला करना उस हिसाब से। ये मैंने डाल दिया 2 चम्मच बिगनेर यानी कि सिरका, और ये हमने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर घोर के रखे थे इसको डाल दिए इसी में, इससे अच्छा कलर हो जाता। और तो देखिए अभी हमें इसमें सोया सॉस, सिरका और ये हम डाल दिए थोड़ा सा टमाटर सॉस, सबको डाल के अच्छे से चला लेते हैं। और ये 1 चम्मच है ये कश्मीरी लाल मिर्च, इसको अच्छा कलर करने के लिए डालें। अब हम स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं इसमें, तो हमने 2 चम्मच नमक डाला हुआ है। नमक डाल के भी हम इसको भून रहे हैं, सबको अच्छे से सही से मिला लेते हैं। तो देखिए अभी तो लग रहा है काला कलर, लेकिन जब हम इसमें आलू का फ्राई करा हुआ डालेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। ये थोड़ा सा और डाल दिया हमने, ये लाल मिर्च डाल दिए थोड़ा सा चटपटा करने के लिए। तो देखिए सब अच्छी अच्छा से मिल गया है सब अच्छी तरह से। अब जो हम आलू रखे थे फ्राई करके अब इसको डाल देते हैं सब। तो देखिए सारे आलू डाल दिए, अब हम इसको अच्छी तरह से सबको मिलाएंगे, सब अच्छे से मिल जाए। तो ये चिपक रहा है इसलिए हम तो इसको थोड़ा सा अच्छे से पकड़ के चला रहे हैं। जब सब मिल जाएगा तो बहुत अच्छा कलर आ जाएगा इसमें, खाने में तो इतना अच्छा लगेगा, इतना टेस्टी कि पूछो मत। अगर आप एक बार बना लेंगे ना तो बार बार आप शाम के नाश्ते में यही बनाएंगे, बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड। आप लोग ज़रूर एक बार बना कर ट्राई करिएगा। देखिए सब मिलाते हुए कितना अच्छा हो गया कलर, सब अच्छे लगते, खाने में बहुत अच्छा लगता है।
बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। आजकल के बच्चों को क्या चाहिए, यही सब चाहिए। आजकल के बच्चों को यही सब पसंद होता है ज़्यादा। थोड़ा सा हमने और डाल दिया इसमें, टमाटो केचप और डाल दिए कि थोड़ा सा और गीला हो जाए, सूखा सूखा ना रहे बिल्कुल। तो देखिए कितना अच्छा बन के हो गया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बन गया ये। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में कैसा बना है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग अगर लाइक करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम इसी तरह का रेसिपी लेके मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।